हाय, मेरा नाम है शारिब और आप देख रहे हैं कमाल के गैजेट्स। और आज बात स्टूडेंट्स की, विल नॉट एग्जैक्टली अबाउट स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन लैपटॉप्स की, जिसका बजट है 25,000 रुपीज़ या फिर उससे कम। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इस बजट रेंज की मेरे टॉप 5 पिक्स। और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं खरीदने का तो हमारे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कंसिडर करिए इसे सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियोज़ हर हफ्ते। So with all said and done, let's get started. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है किसी भी लैपटॉप का, क्योंकि ऑलमोस्ट सारों के स्पेसिफिकेशन सिमिलर लेवल पे हैं और परफॉर्मेंस भी सिमिलर लेवल पे हैं। तो किसी एक को नंबर 1 पे रखना और किसी एक को नंबर 5 पे रखना पॉसिबल नहीं था। और इन लैपटॉप्स में आप ज़्यादा हेवी गेमिंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जो स्पेसिफिकेशंस मिलती है वो गेमिंग के लिए नहीं होती है, बस डे टू डे वर्क के लिए होती है। कुछ पीपीटीज बनाना, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना, इस तरह के काम आप इस लैपटॉप से कर सकते हैं। हाँ, आप ज़रूर कुछ कैजुअल गेमिंग खेल सकते हैं, बस दैट्स इट। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में है लेनोवो IP110। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो सीपीयू मिलती है वो है इंटेल कोर i3 6th Gen की, और इसका क्लॉक स्पीड जो है वो है 2 GHz का। जीपीयू यहाँ पर आपको मिल जाती है इंटेल इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स कार्ड। डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है 15.6 इंच की HD डिस्प्ले। रैम आपको मिल जाती है 4 GB की DDR3। स्टोरेज 500 GB मिलती है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कोई भी नहीं है, डॉस का है, तो आप चाहें तो विंडोज़ 10 या अगर आप एक लिनक्स यूज़र हैं तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, विच इज़ सैड। कैश मेमोरी यहाँ पर आपको मिलती है 3 MB की। पोर्ट्स आपको लगभग सारे मिल जाते हैं, USB 3.0, USB 2.0, HDMI पोर्ट, कार्ड रीडर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन, विच इज़ रियली नाइस टू सी। अगले नंबर पे हमारे पास आता है HP का एक मॉडल HP 15 BS5 480U। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इंटेल का सेलेरॉन N3060 ड्यूल कोर प्रोसेसर, और जो इसकी क्लॉक स्पीड है वो है 1.6 GHz के विद टर्बो बूस्ट अप टू 2.48 GHz। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर भी आपको मिलता है इंटेल का इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स 400। डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको मिलती है 15.6 इंच की HD डिस्प्ले। रैम यहाँ पर भी आपको मिलता है 4 GB की DDR3। हार्ड डिस्क मिलता है 500 GB का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पर आपको मिलता है वो आपको मिलता है विंडोज 10 का, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो है विंडोज़ यूज़र, सो विंडोज़ का यहाँ पर होना एक बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंडेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है 8 GB की, मतलब आपका रैम 4 GB का यहाँ पर दिया गया है इनबिल्ट, तो आप उसको 8 GB तक इन्हांस कर सकते हैं। कैश मेमोरी थोड़ी कम है, जो कि सिर्फ 2 MB की। पोर्ट्स आपको लगभग सारे मिल जाते हैं, USB 3.0, USB 2.0, HDMI पोर्ट, कार्ड रीडर, और यहाँ पर भी आपको मिलता है ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन। अगले नंबर पर हमारी लिस्ट में है HP का एक दूसरा मॉडल HP Imprint 15Q BU0090U। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इंटेल का पेंटियम N3710 क्वाड कोर प्रोसेसर, और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.6 GHz की विद टर्बो बूस्ट अप टू 2.5 GHz। ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर भी आपको मिलता है इंटेल का इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स 405। जैसे कि मैंने लिस्ट स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर आपको इस प्राइस पॉइंट में आप ज़्यादा हेवी गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं दिया गया है NVIDIA का या AMD Radeon का। यहाँ पर आपको मिलता है इंटेल का ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, जो कि हेवी गेमिंग्स के लिए नहीं होता है, बस सिर्फ कुछ कैजुअल और लाइट गेमिंग्स के लिए ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मूविंग ऑन, डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको मिलती है 15.6 इंच की HD डिस्प्ले, और यहाँ पर जो एक अच्छी बात है वो है इसका रैम, जो कि है 4 GB DDR4। वेल, DDR4 रैम की जो परफॉर्मेंस है वो DDR3, जो कि इससे पहले दो लैपटॉप से उनमें दिया गया था, उससे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेटर होगी। और इस लैपटॉप की जो एक अच्छी बात है वो है इसका हार्ड डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी। पिछले दो लैपटॉप्स में हमने देखा कि वहाँ पर आपको मिल रहा है 500 GB का स्टोरेज कैपेसिटी, और इस लैपटॉप में आपको मिल रहा है 1 TB की कैपेसिटी, विच इज़ रियली नाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी आपको कोई नहीं मिलता, डॉस है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा आप विंडोज 10 या लिनक्स जो भी आप चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपेंडेबिलिटी यहाँ पर भी आपको मिलती है अप टू 8 GB की। कैश मेमोरी यहाँ पर भी थोड़ी कम है, जो कि सिर्फ 2 MB की। पोर्ट्स लगभग आपको सारे मिल जाते हैं, USB 3.0, USB 2.0, HDMI पोर्ट, कार्ड रीडर, और यहाँ पर भी आपको ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। अगले नंबर पे हमारे लिस्ट में है फुजित्सो ए सीरीज लाइव बुक लैपटॉप। वेल, शायद बहुत लोगों ने फुजित्सो का नाम नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये एक जापानीज कंपनी है जो कि काफ़ी पुरानी है, और काफ़ी दिनों से ये लैपटॉप्स, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो ये बनाते आ रही है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो CPU मिलता है वो है इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर 5th Generation वाला, और जो क्लॉक स्पीड इसकी है वो है अप टू 2 GHz। वेल, इंटेल का कोर i3 5th Generation प्रोसेसर जो है वो इंटेल का सेलेरॉन और पेंटियम प्रोसेसर से थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस बेटर ही रहेगी, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। यहाँ पर आपको जो GPU मिलता है वो इंटेल का इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स कार्ड। डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको मिलती है 15.6 इंच की HD डिस्प्ले, जो कि है एंटी ग्लेयर।
रैम यहाँ पर भी आपको मिलती है 4 GB की DDR3, स्टोरेज यहाँ पर भी आपको मिलता है 1 TB का, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी आपको मिलता है डॉस, एक्सपेंडेबिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है अप टू 16 GB विच इज़ ह्यूज। सो अगर आपका रैम 4 GB इसमें इनबिल्ट है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 16 GB तक। सो ये सब कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसकी वजह से मैंने इस लैपटॉप को इसमें इंक्लूड किया है। कैश मेमोरी यहाँ पर आपको मिलती है 3 MB की, पोर्ट्स आपको लगभग सारे मिल जाते हैं, USB 3.0, HDMI पोर्ट, कार्ड रीडर, और आपको मिल जाता है ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन भी। सो लास्ट समर रिलीज में है एसर का एक मॉडल एसर एस्पायर ES1572। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इंटेल का कोर i3 6th जनरेशन प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz की। GPU यहाँ पर भी आपको मिलती है इंटेल की HD520। डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है 15.6 इंच की HD डिस्प्ले। रैम यहाँ पर मिलता है आपको 4 GB की DDR3। स्टोरेज जो है वो है 1 TB का हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी आपको डॉस मिलता है, और एक्सपेंडेबिलिटी जो है वो यहाँ पर भी है फुजित्सू वाले लैपटॉप की तरह अप टू 16 GB विच इज़ रियली नाइस। कैश मेमोरी यहाँ पर आपको मिलती है 3 MB की, पोर्ट्स लगभग सारे मिल जाते हैं आपको, USB 3.0, USB 2.0, HDMI पोर्ट, कार्ड रीडर, और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन। सो ये है मेरे टॉप 5 पिक्स 25,000 रुपीज़ में। क्या है आपके टॉप 5 पिक्स या कौन से ऐसे लैपटॉप है जिसे इस लिस्ट में होना चाहिए था, आप मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसको अपने किसी लिस्ट में इंक्लूड करने की। और इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप प्लान करें इसे खरीदने का तो हमारे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ।